नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको बताया कि अनलॉक को लेकर तमाम जिलों में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें किस तरह से अपने अपने जिले खोले जाएं इसे लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं कई जिलों में रविवार को ही फैसला कर दिया गया कि किस तरह से जिले खोले जाएंगे। अगर बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर में भी अहम बैठक चली। लंबी मैराथन बैठक के बाद निर्णय निकला कि सोमवार को एक बार फिर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की जाएगी। उसमें फैसला किया जाएगा कि किस तरह से इंदौर को चरणबद्ध तरीके से खोला जाए, क्योंकि इंदौर के हालात बड़े नाजुक हैं। वहाँ पे लगातार केस बढ़ रहे थे और सबसे ज़्यादा आंकड़ा अगर इंदौर का ही बढ़ता हुआ दिखा। ऐसे में एक बार फिर वहाँ पर सरकार नहीं चाहता, स्थानीय प्रशासन नहीं चाहता है कि इंदौर में फिर हालात बिगड़े। ऐसे में इंदौर प्रशासन चाहता है कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे इंदौर खोला जाए। जहाँ ज़्यादा भीड़ वाले इलाके हैं उनको अभी राहत नहीं दी जाए, वहीं जहाँ भीड़ कम है वहाँ पर धीरे धीरे बाजार को खोला जाए। ऐसे में एक बार फिर आज एक अहम बैठक होनी है और ये बैठक मानी जा रही है कि 12 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें इंदौर को किस तरह से खोला जाए, इंदौर में क्या क्या आम आदमी को छूट दी जाए। वहीं हर आदमी इस फिराक में इस स्थिति में बैठा है कि इंदौर खुलेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। वहीं जो हमारे पास जानकारी है, समझा जा रहा है कि तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी जो है वे, और मनीष सिंह जो कलेक्टर है, वे आज बैठक में शामिल होंगे और इस पर चर्चा करेंगे किस तरह से इंदौर को खोला जाए। जो हमारे पास जानकारी है, जो हमारे पास जो खबरें आ रही है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि इंदौर को ज़्यादा कुछ राहत नहीं मिलेगी। जहाँ पर भीड़ भाड़ इलाके हैं वहाँ पर पाबंदियाँ रहेगी, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ सकते हैं। ऐसे में जो खबरें हमारे पास है वहाँ पर राहत नहीं जाएगी। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, हमारा जो अपडेट है, वो मैं आपको बता दूँ किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। अगर बात की जाए तो थोक किराना बाज़ार के लिए दिन तय होंगे, तभी यानी कि थोक जो किराना बाज़ार है उनके दिन तय किए जाएंगे, किस दिन को कौन सा बाज़ार खुलेगा, एक ये अहम मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। दूसरी बात की जाए तो सभी गोदामों से ही फ़ोन पर आर्डर लेकर सप्लाई को छूट देने की बात सामने आई है। वहीं तीसरी बात की जाए तो ई कॉमर्स एक्टिविटी को छूट पर विचार किया जाएगा। चौथी बात की जाए तो रियल इस्टेट सेक्टर गतिविधियों को शुरू करने की बात भी सामने आई है। सप्ताह में दो दिन ये छूट संभव हो सकता है कि दो दिन की छूट इन्हें मिलेगी। साथ ही बात की जाए सरकारी कार्यालय खुलेंगे, निजी कार्यालयों को कम ही छूट मिलेगी। सरकारी कार्यालय तो खुलेंगे लेकिन निजी कार्यालय जो है उनको कम छूट दी जाएगी, इस पर भी एक मंथन किया जा रहा है, इस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही मैकेनिक, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे कामों के लिए भी छूट देने की बात सामने आई है। वहीं अगर बात की जाए कुछ दिन अनलॉक का असर देखने के बाद ही अधिक राहत देने की बात भी हमारे सामने आई है कि अगर जो राहत दी जाएगी उसमें अगर कोई बड़ी कोई कोरोना के आंकड़े सामने नहीं आते तो सरकार जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो बड़ी राहत दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है सरकार और स्थानीय प्रशासन नहीं चाहता कि इंदौर में कोई बड़ी राहत दी जाए। वहीं अगर बात की जाए तो खेरची किराना दुकानों और फल सब्जी का समय भी तय किया जाएगा कि सुबह से शाम को इतने बजे तक जो इंदौर में आम आदमी को राहत दी जाए। इसे लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इंदौर खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला किया जा सकता है और किस तरह की राहत मिलेगी इस पर भी चर्चा की जाएगी। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।